अमृतसर पुलिस ने विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। दरअसल पुलिस विदेशी नागरिक तक एटीएम में लगे सीसीटीवी के जरिए पहुंची। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक जब पंजाब एंड सिंध बैंक वालों ने एटीएम मशीन में बबलगम जैसी कोई चीज देखी तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो विदेशी नागरिक के बारे में पता चला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच में पता चला कि विदेशी नागरिक ने स्वैप वाली जगह पर एटीएम मशीन में डिवाइस लगा रखी है और पासवर्ड टाइप करने वाली जगह पर कैमरा लगा रखा है ताकि लोगों की गुप्त जानकारियां हासिल कर उनके खाते से पैसे निकलवा सके। उतो दे सीसीटीवी दे विच देखा गया एक जड़े तरीके का व्यक्ति जिस कपड़िया दे विच जड़ा वो व्यक्ति सीगा उस तरीके दे असी बंदियां दी भाल शुरू कोई जो उत्थे ही लागे जड़े उन्हें एटीएम दे विच डिवाइस लगाए सीगे वो उन्हां नूं लैण वास्ते दुबारा उत्थे लागे घूम रहा सी जिन्हां नूं जदों वेख्या गया उन्हें इमीजिएटली उन्हें भजन तो रोक लिया गया तो उन्हें राउंड अप किया गया। एक बहुत अच्छा ये चीज़ ट्रेस हुई है जिदे विच ये एक विदेशी नागरिक जिन्हें एटीएम दे विच जिहड़ा डिवाइस उन्होंने लगाए सीगे पिन जिहड़ा असीं कोड पिन कोड यूज़ करते हैं कोई भी डेबिट कार्ड क्रैडिट कार्ड जो एटीएम इस्तेमाल किया जाता है तो पहला कार्ड नूं असीं स्वाइप करते हैं फिर अपना पिन कोड यूज़ करते हैं दोनों चीज़ों ही उदा रिकॉर्ड करने वास्ते जिहड़ा डाटा है उन्हूं देखने वास्ते कार्ड का वो कार्ड वाली जगह के उपर भी डिवाइस ने लगाई सी उस तरीके जो असी पिन कोड टाइप करते हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड करने वास्ते उत्ते कैमरा काफ़ी छोटा जा बरीक जा सारा सिस्टम करके उन्होंने उत्ते फिट किया गया सी जिहड़ा कि सारा ही उन्होंने कब्जे च लै लिया गया वो व्यक्ति भी साढ़े कब्जे च इस टाइम उस तो अगे जो भी चीज़ हैगी है वो असी कार्रवाई तफ्तीश असी अमल ले आ रहे हैं बाकी देख रहे सारी चीज़। वहीं जगजीत सिंह वालिया के मुताबिक आरोपी युवक रोमोलिया का रहने वाला है और जुलाई में वह अमृतसर आया था और वह इस बात की जांच कर रहे हैं कहीं युवक के साथ इस काम में और कौन कौन शामिल है और अब तक कितनी ठगी वह कर चुके हैं। पुलिस अब जहां जहां से विदेशी नागरिक होकर आया है वहां भी जाकर जाँच करेगी। अमृतसर से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।